योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा जी, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री राकेश गर्ग जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू जी, रविंद्र सिंह जी, भरत थराड़ जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, सीईओ यूपी सीडा श्री मयूर माहेश्वरी जी, आगरा की महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, विजय सिंह हरे जी, चौधरी बाबूलाल जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए प्रदेश भर से और देश के भी अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी उद्यमीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ब्रजभूमि पर लघु उद्योग भारती अपना इस महाधिवेशन को आयोजित कर रही है। उत्तर प्रदेश की इस ब्रजभूमि पर आगरा में मैं आप सबका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए आप सभी उद्यमियों के साथ पिछले 3 महीने के अंदर तीसरा एक संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपने सितंबर 21 से 25 के बीच में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखा होगा। लघु उद्योग भारती भी उसमें हमारे साथ सहयोगी थी और आपने देखा होगा कि दुनिया के यानी उत्तर प्रदेश के 22,000 से अधिक एग्जीबिटर इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे, तो फॉरेन बायर्स में भी 500 से अधिक लोगों की सहभागिता हुई थी। 4 दिनों में 5 लाख से अधिक बायर्स वहां पर आए थे, जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन को, उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देखा था। मुझे भी परसों भदोही में इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां के उद्यमियों की हुनर को देख करके लगा कि वास्तव में पहले कैसे इनकी उपेक्षा होती थी। भारत प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट करता है, उनमें से अकेले भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी से 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है। भाइयों बहनों, लघु उद्योग ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। कम खर्चे में पर्यावरण की सभी मानकों को पूरा करते हुए कम स्थान पर ज्यादा रोजगार का सृजन होना और ज्यादा परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, यह लघु उद्योग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश तो प्राचीन काल से ही इसकी आधार भूमि रही है। अलग अलग प्रकार के उद्यम अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं,
उसी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना चलाई थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन कर देने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी मिले, उन्हें डिजाइन मिले, उन्हें पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके, उनके लिए मार्केट भी उनको उपलब्ध करवाया जा सके और सरकार से उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ हुआ था और आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सब के सामने हैं। हम सब जानते हैं कि आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने एक्सपोर्ट को 250 गुना बढ़ाने में सफल रहा है। एक बेहतरीन दिशा में उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को आज हम आर्थिक समृद्धि के एक राज्य के रूप में स्थापित कर ले, यह इन्हीं उद्यमियों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप हम सबके सामने है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने 2020 में अपनी एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की कि एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई उद्योग लगाता है तो 1000 दिनों तक उसे किसी भी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं, वह जाए अपना उद्योग लगाए, अपना एप्लीकेशन सबमिट कर ले, सारी औपचारिकताएं अपनी पूर्ण 1000 दिनों के अंदर हो जाए, वहां प्रोडक्शन प्रारंभ करे, सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। उद्योग के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो प्रदेश ने इस दिशा में प्लेटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। आगरा में भी एक प्लेटेड फैक्ट्री का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कानपुर में बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है। एक नए अभियान के साथ हमें प्रदेश के इस संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करना है और लघु उद्योग भारती ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था इसी वर्ष के प्रारंभ में 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लघु उद्योग भारती हमारे साथ सहयोगी थी, राज्य सरकार के साथ सहयोगी थी और उस सहयोग का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश सरकार को इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और अगर अब तक का हम देखें तो यह बढ़कर के लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध हो चुके हैं। यह 38 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेगा 1,10,00,000 से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की संभावना प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध होगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर के निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उद्यमता के लिए और उद्यमी के लिए जितनी सहूलतें हो सकती हैं, जितने रिफॉर्म हो सकते हैं उनको तो तत्परता के साथ सरकार ने किया ही, लेकिन साथ साथ सरकार का शुरू दिन से प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हमें उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना है इसकी पहली शर्त होती है सुरक्षा। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति आज देश के अंदर नजीर मानी जाती है और हम लोगों ने इस मामले में पूरे मजबूती के साथ इस बात को कहा है, हम सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी को भी नहीं करने देंगे।
वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और आज आप देखते होंगे प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है, कानून व्यवस्था अपनी एक नजीर प्रस्तुत कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ है जब कानून व्यवस्था किसी राज्य के अंदर चुनावी मुद्दा बने और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता का व्यापक समर्थन एक सिटिंग सरकार के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई दे, यह भी एक उदाहरण के रूप में हम सबके सामने है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में हुआ व्यापक सुधार आप सबके सामने है। समय समय पर सरकार के द्वारा किए गए रिफॉर्म ये आपके सामने है। प्रदेश के अंदर बना हुआ लैंड बैंक ये आपके सामने है। हर जनपद में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ या कमिश्नरी स्तर पर मंडलायुक्त और रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ उद्यमियों के संवाद के कार्यक्रम और जो संवाद जो कार्यक्रम जो जिन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान होना है उनका समाधान स्थानीय स्तर पर और जिनका शासन के स्तर पर होना हुआ भी समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होता हुआ दिखाई दे, इसके लिए सरकार के द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बारे में कहूंगा कि राज्य सरकार ने एमएसएमई उद्यमियों को प्रदेश के अंदर जीएसटी प्रदान करने वाले या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाले हर व्यापारी को भी 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई उद्यमी को भी रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ करके उसको सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। और मैं चाहूंगा कि यहां हमें इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, मेरा आप सभी उद्यमियों से एक बात का अनुरोध होगा, प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो आपका बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देती है। जैसे एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत आने वाला कोई भी निवेश आपको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, लेकिन साथ साथ अगर आप अपने जो निवेश आपने किया है उस निवेश को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का तो कार्य सरकार ने किया ही है, चाहे वह निवेश सारथी पोर्टल हो, निवेश मित्र पोर्टल हो, निवेश होने के बाद ऑनलाइन इंसेंटिव का पोर्टल हो, ये आपको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके किसी भी प्रकार की भाग दौड़ से बचाने का एक माध्यम तो देता ही है। लेकिन साथ साथ सरकार ने यह भी व्यवस्था दी है कि कोई भी उद्यमी कहीं भी परेशान ना हो, हम उसको बेहतर सुरक्षा भी देंगे, हर स्तर पर उसको मदद भी करेंगे। लेकिन यह भी हमें समय समय पर समझने की आवश्यकता है कि अगर आपने उद्योग लगाना चाहते हैं या उद्योग लगाया है स्थानीय किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आपका जुड़ाव हो जाए, आईटीआई से, पॉलिटेक्निक से, किसी कॉलेज से, किसी विश्वविद्यालय से, किसी इस क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थान के साथ, वहां के बच्चे आपके उद्योग में प्रशिक्षण लेकर के आपको मैन पावर की आसान उपलब्धता करा सकते हैं। और यूपीसीडा और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग है, एमएसएमई विभाग इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जिन बच्चों को अगर आप वहां पर रखेंगे प्रशिक्षण के दौरान 6 महीने या 1 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान रखेंगे, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट लेकर के वे लड़के जाएंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी जिनको आप रखना चाहेंगे जो आपके लिए उपयोगी उनको आप वहां रख सकते हैं, लेकिन शेष जाकर के अलग अलग जगह अपने इस अनुभव का लाभ दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान जिस दौरान वे कार्य करेंगे उस समय पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत अगर आप उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आधा मानदेय सरकार देगी, आधा मानदेय इंडस्ट्री देगा। तो मुझे लगता है आपके पास आधे से आधी कीमत पे आपको मैन पावर मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ आने वाले समय के लिए हमारे पास अनुभवी युवाओं की एक टीम भी खड़ी होगी जिन्हें हम धीरे धीरे करके इंडस्ट्री के लिए फिर उपयोगी बनाने में उन्हें मदद कर सकते हैं, उनके कौशल विकास में मदद कर सकते हैं।
हर एक सेक्टर में संभावनाएं बनी हुई है। अगर हम इन सभी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित करते हैं तो इसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आते आएंगे। और मैं आपको इस बात के लिए अवश्य कहूंगा कि व्यवसाय के लिए साफ नियत के साथ एक बेहतर संवाद के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक बड़े उद्यमी बनने से रोक नहीं सकती है। आपने यहां पर लघु उद्योग भारती के माध्यम से इस महाधिवेशन का को आगरा में आयोजित किया है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपकी इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और उसको आगे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।